हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए, तीन किस्म के पानी रखी हुई हूँ मैं। ये मेरे किचन से निकले हुए चावल धोने वाला पानी है। ये रात भर भिगोए हुए राजमे का पानी है जो लाल कलर में है, और ये दाल के पानी है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल अपने प्लांट में इस पानी को यूज़ करती हूँ, और किस तरह से यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब पानी को मैं इस बाल्टी में रखे हुए आधा बाल्टी पानी में पूरे पानी को मैं मिला दूंगी। फ्रेंड्स, ये चावल के पानी, जिसमें इस सब पानी में बहुत ही न्यूट्रिशन होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का काम करते हैं। पानी को फ्रेंड्स मैं डबल पानी में मिलाने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से मग्घे से मिला लूंगी, और इस पानी को अब मैं अपने सभी प्लांट्स में थोड़े थोड़े करके डालूंगी। ये मेरे गुड़हल का पौधा है, ये गेंदे का है, ये देखिए 9 o'clock का प्लांट है जिसमें भी फूल खिले हुए हैं अभी। इस तरह से इस पानी को मैं अपने सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर डालती हूँ, जिससे मेरे पौधे हेल्दी दिखते हैं। और ये पानी पौधे के हेल्थ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हेल्दी बनाते हैं पौधे को। जिस तरह हमें भी न्यूट्रिशन चाहिए, इस तरह हमारे पौधे को भी फ्रेंड्स भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए जब ये फ्लावरिंग के रूप में आए। ये देखिए, इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और इस पानी को आप भी फ्रेंड्स से कभी भी वेस्ट मत होने दीजिए। आप अपने गार्डन में इस पानी का अच्छे से यूज कीजिए, ताकि आपके गार्डन में भी मेरे गार्डन के जैसे हरे भरे फूल, रंग बिरंगे फूल खिले। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जिनिया के प्लांट्स में भी मैं इस पानी को डालती हूँ, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं मेरे जिनिया में। ये फर्स्ट लविंग प्लांट है, इसमें भी मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, सभी में फ्लावर बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। और आप भी अपने सभी प्लांट्स में इस तरह से पानी को डालिए, ताकि पौधे को भरपूर न्यूट्रिशन मिले, पौधे अपने ग्रोथ को बढ़ाए, अपने हेल्थ को बढ़ाए, और इस तरह से फ्लावर आपके प्लांट में भी खिलते रहे, जिससे आपका गार्डन ही सुंदर हरा भरा फूलों से रंग बिरंगा दिखे। ये देखिए, आप अपने किचन के इस चावल दाल के पानी को वेस्ट मत होने दीजिएगा फ्रेंड। अपने पौधे में, अपने प्लांट में इस तरह से डाला कीजिए। ये देखिए, मेरे गुलाब में भी बहुत से बड़े से एक फ्लावर खिले हैं, इसमें बर्ड्स भी बने हुए हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।